राजस्थान के अंता में प्रेस क्लब के चुनाव हुए, जिसमें सर्वसम्मति से चंद्रप्रकाश गौचर को दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। बाद में कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें संरक्षक पद पर अशोक गौतम, निरंजन बन्ना, उस्मान खान, उपाध्यक्ष पद पर कमल चौहान, शफीक मंसूरी, दिवेश शर्मा, महामंत्री पद पर हरिओम तिवारी, धनश्याम दाधीच, आलोक बादल व प्रेस प्रवक्ता पद पर दीपक चौरसिया, मंत्री पद पर मुकेश गौचर, अब्दुल हनीफ, कोषाध्यक्ष पद पर कृपा शंकर दाधीच को बनाया गया। बैठक में पत्रकारों के हित को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। साथ ही स्थानीय पत्रकारों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूखंड आवंटित किए जाने की पुरजोर से मांग की गई। साथ ही संगठन को मजबूती प्रदान करने सहित पत्रकारों के हित को लेकर कई मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। पत्रकारों के हित के लिए जितना मुझसे संभव हो सकेगा उतना तन मन धन से सहयोग करने का प्रयास करूंगा। मेरे सभी पत्रकार साथियों से निवेदन है कि इस तरह का कोई गलत काम नहीं करे जिससे हमें नीचा देखना पड़े। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये है हमारी कि हम पत्रकारों के लिए मंत्री प्रमोद जैन भाया से मिलकर के और भूखंड जो अन्य जगह पर भी पत्रकारों को निःशुल्क दिए जा रहे हैं उसके लिए रूपरेखा बना करके उनसे मिला जाएगा और चेयरमैन से भी इस संबंध में बात की जाएगी ताकि अन्य जगह की जगह हमें भी भूखंड मिल सके। आपका नाम? चल प्रकाश। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।